प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विगत 18 अगस्त को आयोजित प्रवेश परीक्षा यूपी कैटेट में कृषि वर्ग का प्रश्न पत्र आउट ऑफ सिलेबस आने एवं कृषि पाठ्यक्रम के लिए कक्षा 12 कृषि के छात्रों के स्थान पर अन्य वर्गों को तरजीह दिए जाने के विरोध में अखिल भारतीय कृषि छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ सौजन के नेतृत्व में छात्रों के दल ने यूपी कैटेट के आयोजक चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के बाहर संकेतिक प्रदर्शन कर विरोध जताया। तत्पश्चात राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सौरभ सौजन ने बताया कि कृषि वर्ग पीएजी के प्रश्न पत्र में लगभग आधे प्रश्न परीक्षा संस्था द्वारा पूर्व सूचित कृषि वर्ग के कक्षा 12 स्तर के पाठ्यक्रम से बाहर के थे, जबकि कृषि स्नातक में प्रवेश के लिए अन्य समूह गणित वर्ग पीसीएम एवं जीव विज्ञान वर्ग पीसीबी के प्रश्न तुलनात्मक रूप से सरल थे, जिससे ऑल ओवर मेरिट में जीव विज्ञान के छात्रों का शीर्ष स्थान पाकर कृषि पाठ्यक्रमों हेतु चयनित होना लगभग तय है, जिससे कृषि वर्ग के अभ्यर्थियों को अंततः चयन से वंचित होना पड़ेगा। यह ग्रामीण अंचल की मेहनत के लिए साथ खिलवाड़ है, ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह कृषि छात्र इस लड़ाई के लिए शांति के रास्ते के बाद आवश्यकता पड़े तो क्रांति के रास्ते को भी अपनाएंगे। इस विजन एग्रीकल्चर एकेडमी के संचालक और यूपी कैडेट के जानकार हर्षित ने भी इसे कृषि छात्रों के साथ अन्याय बताया। इस दौरान शिवम यादव, मयंक मिश्रा, सुंदरम इत्यादि छात्रों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दरअसल मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के जो चारों कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रवेश हेतु जो प्रवेश परीक्षा होती है यूपी कैटेट, उसमें स्नातक के लिए साथ में मैथ एवं बायो ग्रुप के अभ्यर्थी भी अहल रहे, परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेडिकल में केवल बायो का बच्चा जा सकता है, इंजीनियरिंग के लिए मैथ का बच्चा जा सकता है, तो फिर आखिर एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का बच्चा सिर्फ क्यों नहीं। वैसे भी प्रदेश में एग्रीकल्चर की सीटें चारों विश्वविद्यालयों में मिला तो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में बहुत कम है, और पिछले कुछ वर्षों से एक मैं तो कहूँगा एक साजिश के तौर पर ये हो रहा है कि जो कृषि का प्रश्न पत्र आता है वो उसमें उसकी जो उसका जो स्तर होता है वो कक्षा 12 स्तर से काफ़ी ऊपर का होता है, और जो मैथ और बायो का होता है वो कमज़ोर स्तर का होता है। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, बट ऐसा हो रहा है, जिसके कारण ऑल ओवर मेरिट में एग्रीकल्चर वाले बच्चे पिछड़ जाते हैं, और हालत ये है कि पिछले बैचों में 70-80% तक बच्चे अन्य स्ट्रीम्स के हैं। मुझे अन्य स्ट्रीम्स के बच्चों के साथ कोई समस्या नहीं है, मुझे केवल एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो ग्रामीण अंचल के होते हैं, सालों तैयारी करते हैं, इसके बावजूद वो कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं पा पाते हैं, वंचित रह जाते हैं, मुझे उससे समस्या है। और इसके लिए हम कृषि छात्रों ने ठान लिया है कि अब हम अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे वो शांति से मिले या क्रांति से मिले। मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ जो जिम्मेदार लोग हैं कि हम अपना हक लेकर रहेंगे, वो शांति से मिले या क्रांति से मिले। आप लोग आज ज्ञापन किसको देंगे? दरअसल आज हम लोग न सिर्फ ज्ञापन देने आए हैं बल्कि चर्चा करने आए हुए थे कुलपति महोदय से, क्योंकि चूंकि इस बार का आयोजन चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने कराया हुआ है, तो हम लोग सीएसए कुलपति माननीय कुलपति महोदय जी से मिलने आए हुए थे, और उन्हें ना सिर्फ ज्ञापन देकर बल्कि इसका एक स्थायी समाधान भी चाहते हैं, ताकि जो आगे से भविष्य में यूपी कैडेट परीक्षा हो, और जो इस बार की है इसमें 80% सीटें एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए रिजर्व की जाएं। और साथ में एक ये भी है कि जो अभी जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे वो एक कमेटी बनाकर बाहर की। अगर आपकी मांग यहाँ नहीं मानी जाती तो आप आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? देखिए, हम लोग पहले कुलपति जी से डिस्कस करेंगे, आज हमने उन तक अपनी बात पहुँचाई है, और बहुत जल्द वो बैठ करके इस बारे में चर्चा करेंगे, हम सब लोग चर्चा करेंगे,
और अगर हमें यहाँ से समाधान नहीं निकल मिलता है तो हम यहाँ से चाहे हमें लखनऊ राजभवन के लिए कूच करना पड़े, हम लोग जाएंगे, बट हम लोग अपने अधिकार के लिए अब लड़ेंगे। अब कृषि छात्र बोलेगा, चुप नहीं बैठेगा।